लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक पार्क के नीचे चल रही खुदाई में बेहद चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। नई चीजों की खोज करने वाले डेनियल कारों और उनके साथी ने जब एक पुरानी गुफा की दीवार पर ड्रिल किया तो उन्हें एक गहरा गड्ढा नजर आया। जब दोनों ने गड्ढे में झांक कर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। डेनियल और उनके साथ ने गड्ढे से नीचे देखा तो लगभग 30 फीट की गहराई पर कुछ और दीवारें नजर आईं। जब ये दोनों खोजी नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे ये 200 मीटर लंबी और 20 फीट ऊंची सुरंग मौजूद है। सुरंग की दीवारों पर जब बारीकी से स्टडी की गई तो पता चला कि ये सुरंग करीब 15,000 साल पुरानी आइस एज की है। डेनियल ने इस खोज के बारे में प्रेस से बात करते हुए कहा कि इतनी विशालकाय सुरंग जमीन के नीचे पाकर हम हैरान थे। ऐसी सुरंग तो चांद पर मिलती हैं। जैसे जैसे डेनियल और उनके साथी सुरंग में आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे सुरंग में पानी बढ़ने लगा। एक जगह इतनी गहराई आई कि उन्हें एक छोटी नाव का इस्तेमाल करना पड़ा। सुरंग में कई जगहों पर कमरे की तरह चेंबर बने हुए थे। हजारों साल पहले बने इन चेंबर में विशालकाय जीव रहा करते होंगे।